हेलो दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लास आज आपके लिए लेके आया है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास। आज हम जो वीडियो आपके लिए बनाने वाले हैं, ये प्रश्न जो है आने वाली 2023 की वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 5 के ये प्रश्न है। चलिए आइए देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, श्रेणी -3, 1/2 का छठवां पद ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया गया है क्या, दिया है हमको ए। ए कितना दिया है, -3। ओके, हम सार्वभौमता निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं। डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को निकालना, ठीक है। दूसरा पद क्या है, 1/2, पहला पद क्या है, -3। चलिए घटा लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 तो सेम है, ठीक है। ये 1 और 2 3 6 हो जाएंगे और नीचे 2 यानी कि 7/2, तो हमारा सार्वभौमांतर कितना निकल के आ गया, 7/2। ओके, क्योंकि छठवें पद की बात की जा रही है, इसका मतलब ये है कि n जो है वो 6 है, ठीक है। इसमें हमको an का मान निकालना है। चलिए an निकालना शुरू करते हैं। an क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। a का मान कितना है, a का मान -3, ठीक है, लिख देते हैं। ओके, और प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है, एन का मान 6, लिख देते हैं, -1। डी का मान कितना है, 7/2, ये लिख दिया, ठीक। ए एन अपनी जगह पर सेम है, -3 अपनी जगह पर सेम बना हुआ है, 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 बच जाएंगे, गुणित 7/2। ए एन अपनी जगह पर सेम बना हुआ है, ये जो 2 है इस 2 का हम इस 3 में गुणा कर देंगे, तो माइनस के 6 हो जाएंगे, प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे, 7 5 35। अब ये 2 जो है पूरे के बटे में आ जाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इस 35 में से इस -6 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 29 बचेंगे, तो 29/2, हम चाहे तो भाग लगा देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 2 बचा 10। इस प्रकार से हमारा ए एन जो आएगा वो 14.5। छोटा सवाल है, ऐसे प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य। चलिए दिया गया है, क्या दिया है, a बराबर क्या आएगा, 5 आएगा, सार्वभौमांतर चूंकि 5 से विभाजित हो रहा है इसलिए उसका सार्वभौमांतर आएगा वो भी 5 आएगा, क्योंकि 10 की बात की जा रही है तो n का मान 10 हो गया। अब हमको चूंकि उसने पूछा है कि योग बताना है आपको, योग, तो योग sn बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 गुणित d कोष्टक में। ओके, एस एन हमको निकालना है, एन का मान कितना है, 10 है, 10/2 कितना हो गया दोस्तों, 2, कोष्टक 2 × 5 हो गया, और प्लस एन कितना है, 10 है, 10 - 1 हो गया, डी कितना है, डी भी 5 है हमारे पास। ओके, एस एन ये तो 5 हो गया दोस्तों, और ये 2 × 5 हो गया, प्लस यहां पर 9 हो गया, गुणित ये हो गया 5। ओके, अब देखिएगा ये 5 सेम है, कोष्टक सेम है, ये 10 भी सेम है, ये 9 × 5 = 45 हो गए, है ना। ओके, ये 5 सेम है, ये सॉरी, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 45 और 10 कितने हो जाएंगे, 55। अब एस एन बराबर कितना हो गया, इसका एक गुणा कर दो, 55 25 के 5 हासिल किए, 2 × 55 = 2 = 27, यानी 275। अर्थात ऐसे प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग 275 होगा जो 5 से विभाज्य। उम्मीद है आपको हमारा सवाल समझाने का तरीका समझ में आया होगा, यदि आया हो तो